बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इरफान साबिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। उम्मीद है हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने एलो जाल के साथ खुश खुरम और शाद व आबाद रखे। दोस्तों, अगर आपकी बकरियों को बुखार हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये बुखार है, इसकी क्या अलामात होती हैं और इनका देसी इलाज कौन सा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए मिलते हैं हम अपने माहिर उस्ताद गुलाम रसूल साहब से। लेकिन उससे पहले ऐसे तमाम दोस्तों से अपील है जो पहली दफ़ा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं उस्ताद गुलाम रसूल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह ताला की मेहरबानी। अच्छा, गुजारिश है कि बकरी का बुखार होता है जो, उसकी अलामात क्या होती हैं, मकसद निशानियाँ क्या होती हैं और उनका फिर इलाज क्या होता है, ये आप दोस्तों को बता दें। जी, सबसे पहले तो वो अपना हीट चेक कराना, तो थर्मामीटर कोल होए तो अच्छी गल है, अगर वो ना होए तो बकरी के जान होते हल्के हल्के होता है, जिसम के वाल होता कंडे असली होता, वाल चिड़े हुए होते हैं। अच्छा जी। नाक से थोड़ा थोड़ा पानी भी आ सकता है और सिर थोड़ा थले सट के तो आपको जानवर मुंझा नजर आसी और उसके मुँह के अगर तुम अंगल पैसो तो मुँह उसका अंदर वाले पास गर्म हो सी और कान नेड़े ठंडे हो सी, ये बुखार की अलामत है। अच्छा, बाकी आँखों से पानी शानी कोई? जी बिल्कुल, अगर नाक चू अखी चू पानी भी हल्का फुल्का आ सकता। इसके अलावा यानी तुम मुँह के अंगल पैसो तो यकीन हो तो पता लग सी मुँह रूटीन तो ज़्यादा गर्म है। अच्छा, ये हो गई इसकी निशानी मकसद बुखार की। अब मुख्तसर सा इसका इलाज जो है वो बता दें, देसी टोटका कोई? बिल्कुल, देसी टोटका यही है, बतूसा उसको कम अज़ कम 8 से 10 मिनट उसके सर्द होते पानी, कम अज़ कम नॉर्मल पानी यानी मोटर का ताज़ा पानी, कम अज़ कम 10 मिनट पानी उसके सिर से उबाया वे, उसके बाद 2 कप कावा जिमें साफ इंसान पीने, उसके पैनाडाल पैरासीटामोल कोई भी बुखार वाली गोली 2 गोलियाँ वो पानी, 2 गोली एंटी एलर्जी पानी है, बैटरी लान गोली इस्तेमाल सकती रखने है ज़्यादा, वो तो सा उसको यानी कावे दे घुला के वो तो सा उसको दे दे सो इंशाअल्लाह ताला तोरे बुखार लाए वैसी। लेकिन 24 घंटे तो बाद दोबारा या माल भी तो कर के सो। अच्छा, अगर 24 घंटे जाने से पहले भी बुखार ना उतरा हो तो फिर दरमियान में भी दे सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन ये काम पहले ज़रूरी करना है। बस आजकल ये बुखार से खास कर गर्मी दिन और सर्द तो कम अज़ कम 8-10 मिनट पानी वहां इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद दवाई देनी, जिस तो दवाई दे सो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मंजूर होया 99% तुम्हारे बुखार ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर सर्दी का बुखार हो तो फिर तो पानी नहीं बनाना? जी नहीं, मैं समझी ना, अब इंतहाई तेज़ हो तो उसकी वहाया बन सकते, लेकिन सर्दी का बुखार जो होंगे कुदरती वो इंतहाई तेज़ बुखार नहीं होंदा मौसम के टैम्परेचर की वजह नाल, तो इस वास्ते पानी वहावन की जरूरत नहीं पौंदी, वो खाली बुखार वाली दवाई देवन नाल जानवर सेट हो जाएंगे। अच्छा, तमाम फार्मर्स हजरात से गुजारिश है कि अगर आपका कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में अपना मसला लिखें, इंशाअल्लाह हम गुलाम रसूल भाई से आइंदा डेली या दूसरे दिन आपके सवालात के जवाबात पर मबनी एक वीडियो जो है वो शेयर करते रहेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।